दोस्तों दिन भर में यूं तो हम कई मसालों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं में से एक है कलौंजी, जिसके सेवन से कैंसर जैसे जिद्दी मर्ज का भी सफाया हो जाता है। और तो और ये मामूली सा मसाला खाने में कड़क स्वाद और कसैला टेक्सचर भी देता है। साथ ही आयुर्वेद में तो इसे एक चमत्कारी औषधि तक माना जाता है। इसमें मौजूद जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण इसे वायरस, इन्फेक्शन और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों से भी लड़ने में कारगर बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम कलौंजी की A to Z सभी जानकारियाँ तो पाएंगे ही, साथ ही हमारे किसान भाइयों तक इसकी बेहद उन्नत और वैज्ञानिक कृषि तरीकों की भी जानकारी पहुँचाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं कलौंजी की कुछ अहम जानकारियों के साथ। दोस्तों कलौंजी, जिसे आशीष के बीज, काले जीरे अथवा कृष्ण कनक जैसे नामों से भी जाना जाता है, वास्तव में एक प्रकार का बीज है जिसे एक खास तरह के झाड़ीदार वनस्पति के फूलों से हासिल किया जाता है। दोस्तों कलौंजी के बीजों को बतौर मसाले एवं आयुर्वेद में औषधि के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कलौंजी के सेवन से ढेरों औषधीय लाभ तो होते ही हैं, साथ ही हमारे शरीर में पनप रही बहुत सी बीमारियों का भी सफाया हो जाता है। अधिकांश मसाले की ही तरह कलौंजी भी दक्षिण एशियाई मूल का मसाला है। इस मसाले ने भारत के पृष्ठभूमि पर जन्म लिया था, परंतु आज इसे भारत समेत कई अन्य एशियाई देशों में उगाया जाता है, विशेषकर भारत, मिस्र, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों में इसको भारी पैमाने पर उगाया जाता है और इसकी खेती की जाती है। दोस्तों कलौंजी, जिसे अंग्रेजी में निगेला सीड्स कहा जाता है, वास्तव में अपने औषधीय गुणों के चलते पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी मांग अमेरिका से जापान तक हर देश में है। यही वजह है कि बीते कुछ दशकों में कलौंजी की खेती में काफी सुधार आया है। इसके साथ ही दोस्तों भारत के देसी किसान बेहद उन्नत ढंग से कलौंजी को उपजा रहे हैं और उसे विदेशों में एक्सपोर्ट कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान भाइयों, आइए आज हम आपको कलौंजी की कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसकी मदद से आप कलौंजी की खेती कर एक सफल और संपन्न किसान बन पाएंगे। तो चलिए करते हैं कुछ किसान की बात। दोस्तों कलौंजी की खेती से संबंधित जानकारी को पाने की इस कड़ी में आइए सबसे पहले बात करते हैं कलौंजी की उपज के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्थिति पर। दोस्तों कलौंजी की कृषि करने के लिए टेम्परेचर यानी तापमान की रेंज 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए एवं मृदा में मॉइस्चर यानी नमी का स्तर 80 से 90% के दरमियान होना चाहिए। अब चूँकि कलौंजी एक रवि की फसल है, इसीलिए इसके बीजों की रोपाई का टाइम भी मध्य सितंबर से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच में होता है, परंतु अक्टूबर के लास्ट तक भी इसकी बुवाई की जा सकती है। इस बात का निर्णय आप अपने खेत की मिट्टी में मौजूद नमी को देखकर भी कर सकते हैं। बात करें अगर कलौंजी की खेती के लिए उपयुक्त मृदा यानी मिट्टी की, तो कलौंजी की खेती के लिए मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों से युक्त बालूदार मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कलौंजी की खेती के लिए भूमि में जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए। इसकी खेती पथरीली एवं ऊबड़ खाबड़ भूमि में नहीं की जा सकती और इसके साथ ही कलौंजी की कृषि के लिए भूमि का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। बात करें अगर भारत में कलौंजी की खेती के लिए उपयुक्त स्थानों की, तो वैसे तो लगभग उत्तर भारत के सभी राज्य कलौंजी की कृषि के हिसाब से फिट बैठते हैं, मगर उसमें भी खासकर मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्य के टेरेन इस फसल की खेती के लिए सर्वोत्तम है। खासकर इन्हीं दो राज्यों में भारत की अधिकतर कलौंजी को उपजाया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कलौंजी एक कमर्शियल क्रॉप है और आज इसे व्यवसाय के उद्देश्य के साथ ही गहन रूप से उपजाया जाता है। ऐसे में अगर कलौंजी की कुछ अहम नस्लों पर नजर डालें, तो आज बाजार में कलौंजी की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उनकी पैदावार के आधार पर तैयार किया गया है। इन किस्मों में टॉप पर आती है NRC SSAN फर्स्ट कलौंजी की किस्म। इस किस्म के पौधों की लंबाई 2 फीट के करीब होती है। साथ ही इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 135 से 140 दिन के बाद कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जो कि एक एवरेज यानी औसत वक्त है। यदि बात करें इसके उत्पादन पर, तो प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कलौंजी के साथ आज की डेट में ये एक बेस्ट चॉइस बना हुआ है।
वहीं इसके बाद बारी आती है आजाद कलौंजी की। जी हाँ, ये भी कलौंजी की एक विशेष नस्ल है जो खासकर मध्य प्रदेश में उपजाई जाती है। इस किस्म के पौधों को मैच्योर होने में 150 दिन तक का वक्त लग जाता है, जो इसे एक देर से पकने वाली नस्ल के रूप में आगे करती है। बाद बाकी पंत कृष्णा और NS-32 नंबर की कलौंजी भी देसी मार्केट में काफी डिमांडेबल हैं, जिसके चलते इनका उच्च उत्पादन लाभ तो मिलता ही है, साथ ही अच्छे खासे बाजारों दामों पर भी हाथों हाथ बिक जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कलौंजी की फसल को उगाने का तरीका भी काफी सिंपल और ट्रेडिशनल है। इसे भी दोनों ही तरीकों, नंबर 1 रोपण पौधों के जरिए अथवा नंबर 2 बिजाई करके उगाया जा सकता है। एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज की डेट में बिजाई करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ट्रिक आपके काम को कम खर्चीला और कम वक्त में निपटा सकती है। इसके चलते सबसे पहले आपको अपनी खेती की मिट्टी जोत कर तैयार करनी है। इसके अंतर्गत 3 से 4 टिलेज राउंड में सारी मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है और फिर बीजों का छिड़काव करते हुए बुआई करनी है। परंतु यदि आप बिजाई ना करके अत्यंत प्रबंधित ढंग से रोपाई करने की सोच रहे हैं, तो प्रायोजित तरीके से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे तक की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखते हुए क्यारियां तैयार करनी है। साथ ही इरिगेशन यानी सिंचाई हेतु या तो फूड ड्रेन या फिर ड्रिप इरिगेशन सहित फवारों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, फसल को पककर तैयार होने में 140 से 150 दिन तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में इस कालांतर में आपको फसल की कड़ी नजर रखनी होगी। जिद्दी कीटों के साथ ही घातक फंगस से अपनी फसल को बचाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ कलौंजी की खेती में खरपतवार नियंत्रण निलाई गुलाई के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में बिजाई रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधों की हल्के निलाई कर लेनी चाहिए, मगर वक्त वक्त पर नियमित रूप से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव तो आपको करना ही होगा। और कुछ यूं 140 दिनों बाद आप अपनी कलौंजी की इस फसल को बिल्कुल तैयार पाएंगे, जिसे कुछ इस अंदाज में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर हम अपनी हर वीडियो के अंत में वनस्पतियों के औषधीय लाभों पर चर्चा करते हैं, इसी प्रकार अब बारी है कलौंजी के औषधीय लाभों पर बात करने की। वेल, कलौंजी के औषधीय गुणों का तो कहना ही क्या। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि आज कलौंजी का प्रयोग मसाले से कई ज्यादा बढ़कर बतौर अन्य औषधि के रूप में किया जाने लगा है। और कलौंजी के तो इतने लाभ हैं कि इन्हें बताते बताते पूरा दिन निकल जाएगा, मगर लाभों की सूची खत्म होने का नाम नहीं लेगी। फिर भी अगर इन सभी औषधीय लाभों का मुख्तसर जायजा लें तो कलौंजी के सेवन से डायबिटीज और अन्य हृदय संबंधित रोगों में काफी राहत मिलती है, और ये नस नाड़ियों में जम रहे जिद्दी कोलेस्ट्रॉल पर भी प्रहार करती है और हमें एक निरोगी काया देती है। पेट में चाहे कृमि हो या फिर कीड़े, ये उनका भी सफाया करती है, और उसके साथ ही खून को साफ करके चेहरे पर निखार लाती है, और इसके साथ ही कील मुहासों को बाहर का रास्ता दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इतने फायदे हैं कलौंजी के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस केवल यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो एक लाइक तो बनता ही है। इसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय।